सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज सुबह जो हमको सूचना मिली है विधानसभा के सदस्य आदरणीय रामदेव यादव जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है, उसको लेकर के हम लोग बताते हैं के साथ है। अचानक से ये खबर हम लोगों को मिली कि आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हुई। हम अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे बिहार की जो स्थिति है, जो मूल समस्या जो अभी उभर करके सामने आ रही है, जिससे बिहार जूझ रहा है, बिहारी जूझ रहे हैं, आप सबको पता है, बाढ़ और कोरोना जो दोहरी जो मार पड़ी है उसको लेकर के पूरी स्थिति जो है भयावह पूरे बिहार में बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार है और लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं इस मसले को लेकर के, सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन कभी भी चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार जो है बाढ़ और कोरोना को लेकर के गंभीर रही। महत्वपूर्ण सवाल पंखा बंद करवा दिया, महत्वपूर्ण सवाल जो है आप सब लोग जानते हैं कि लगभग बाढ़ से 16 जिला जो है वो प्रभावित है, 130 प्रखंड प्रभावित है, 1331 पंचायत प्रभावित है और लगभग 84 लाख जो बिहार की आबादी है वो बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा, हमारे कई बार कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आनंद फानन में केवल 2 बार हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि लगभग जो आप देखिएगा 84 लाख लोग जो बाढ़ से जो प्रभावित है उनके लिए कोई भी बंदोबस्त सरकार ने तैयारी जो प्रोएक्टिव होकर के करना चाहिए था उसमें नहीं। आप देखिएगा जो हेलीकॉप्टर जो भी चले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं जानना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना के चले, कितने हेलीकॉप्टर चले हैं, केवल मात्र 2-3 दिन जो है दिखाने के लिए उन्होंने वितरण कराया है जो राशन, लेकिन कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर चला है। आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी बताएं 84 लाख आबादी जो सड़क पे आ गई है, जो हम लोग कई जगह हम चंपारण तटबंध टूटा, आपका जो है छपड़ा का सारण का जो तटबंध है वो टूटा, सैकड़ों में पुल पुलिये टूटे, कई नया उद्घाटन किया हुआ जो पुल है उसका अप्रोच रोड टूटा, बांध टूटे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बांध तटबंध या पुल पुलिया जो है वो टूटे हुए। लोगों का एकमात्र सहारा है पुल, या आप देखिएगा कि सड़क पे आ करके जो है लोग रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से हम जानना चाहते हैं कि जब 84 लाख आबादी प्रभावित है तो आपने राहत के लिए क्या किया, आपकी क्या तैयारी, क्या केंद्र सरकार इतनी भी गंभीर है कि अपना समीक्षा के लिए केंद्र टीम भेजी हो, क्या इन्होंने बाढ़ के लिए केंद्र से
सहायता मांगी कि नहीं मांगी। अब मांगी सहायता तो क्या मिला बिहार को, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की जो है वो सरकार है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि इस दिशा में क्या काम हो। तो बाढ़ हो या कोरोना हो, सरकार कभी भी गंभीर नहीं दिखी। मुख्यमंत्री अपनी राजनीति रोटी सेकते रहे, उनको बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की परवाह। वो करते रहे वर्चुअल रैली, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि मुख्यमंत्री उन पीड़ितों के बीच, गरीबों के बीच, जनता के बीच जाते और उनके लिए कुछ काम किया गया होता। लेकिन अभी भी लगातार हम सदन में भी आपको हम बताते हैं क्यों मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे कोरोना हो या बाढ़। एक दिवस से जब विधानसभा चालू था तो उसमें बहस की बाढ़ को लेकर के, कोरोना को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर बोला था, याद कर लीजिए आप लोग सब लोग, कि कमेटी बनाई जाएगी। प्रोसीडिंग भी अगर निकाले, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, वो कमिटी जो है कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के आज तक नहीं बन पाया, ना इसके लिए कोई पहल की गई। आज अगर कोरोना में अगर स्थिति देखिएगा, केवल अगस्त महीने का 28 दिन का तो लगभग 79,861 नए मरीज जो है वो पाए गए 28 दिनों का, यानी लगभग 80,000 जो है वो मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 28 दिनों के अंदर 376 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये तब आंकड़ा हम बता रहे थे, 80,000 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 376 लोगों की मृत्यु हुई है, तब जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन के अंदर है। ये ख्याल रखिए, हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी को कहते रहे कि आरटीपीसीआर जो है उसकी जो जांच जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है आरटीपीसीआर का ज्यादा बेहतर बताता है। लेकिन अभी बिहार भर में क्या हो रहा है, लाख टेस्टिंग हो रही है लेकिन पॉजिटिव जो है 2,000 से 2,500 पाए जा रहे हैं। जब 10,000 टेस्टिंग होता था तो भी 2,500 पॉजिटिव पाए जाते थे, और अभी भी जो है केवल 2,500 पाए जाते। ये क्यों है, हम बार बार सरकार को बता रहे हैं, क्योंकि एंटीजन जो टेस्ट कर रही है ये उसके वजह जो आरटीपीसीआर केवल जो है 6,000 केवल 6,000 आरटीपीसीआर हो रहा है, और आरटीपीसीआर का जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि लगभग 50% यानी लगभग आधा संख्या जो है उसमें पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। यानी 6,000 अगर टेस्ट हो रहा है तो लगभग 3,000 लोग पॉजिटिव आरटीपीसीआर में पाए जा रहे हैं, लेकिन एंटीजन में ऐसा नहीं है। इसलिए यह हाल, चाहे 1,00,000 किए हो ये टेस्ट या 1,50,000 किए हो, जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो केवल 2,000 से 3,000 आ रहा है, क्योंकि आरटीपीसीआर का जो है एक्यूरेसी वो बेहतर है। उसका 6,000 होता तो इसका जो है 50% लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, और एंटीजन की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए ये आंकड़े जो है हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि लाख भी हो रहा है तो केवल 2,500 से 3,000 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से जो है लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। हम लोगों ने मजदूरों की स्थिति को लेकर, मुख्यमंत्री जी आपने ना कमेटी सदन के अंदर जो वादा था वो नहीं पूरा किया। विपक्ष के लोग इसी उम्मीद के साथ, हम लोग सब लोग सदन में थे,
मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने बोलने दिया, इसी बात को लेकर के नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है वो बताएं। लेकिन बाढ़ में पूरी तरीके से जो है लगभग जो है 84 लाख लोग आबादी जो है वो प्रभावित है, इसके लिए कोई चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है। कोरोना को लेकर के कोई चिंता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने पैसे आए और वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए मुख्यमंत्री जी ने, इसका ब्यौरा वो बताने का काम करें। आखिर ये फंड आया तो कितना फंड आया और उसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किए। आपको पता है कि लगभग मजदूर जो है 40 लाख की संख्या में बिहार आए। मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया था कि जितने लोग आएंगे, जितने मजदूर आएंगे, उनके खाते में 1-1 हजार रुपए वो डालेंगे। याद कर दीजिए, हम लोगों की उस समय भी मांग थी कि 100 दिन का जो लोग बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, उनको 100 दिन का यानी 100 रुपए प्रतिदिन, अगर यानी 10 हजार रुपए खाते में लोगों को दिया जाए। 10 हजार तो दूर, हमारी मांग तो दूर। ये जो अपना जो वादा था कि 1000-1000 रुपया जो लोग भी आएंगे उनको देंगे, जो कंपल्सरी बनाया था, अब तक उसका 50% भी लोगों को उन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने मजदूर आए हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा बिहार सरकार को। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि आप सबको रोजगार दीजिएगा जितने मजदूर आएंगे। अब तो ये स्थिति चली गई, चलिए एयरपोर्ट चलिए मेरे साथ, आप लोग सब लोग कई जिला के गांव चलिए, लग्जरी बस आया हुआ है, प्लेन की टिकट कटाए जा रहे हैं और जितने गरीब मजदूर सब लोग वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। बिहार में लगभग नीतीश जी के आने के बाद 50% जो है पलायन बढ़ा। नीतीश जी के आने के बाद हर दूसरा परिवार का लोग रोजी रोटी के लिए नीतीश कुमार जी अपना वचन नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में ही तो आप बता दीजिए कि आपने कितने मजदूरों को रोजगार दिया, स्किल मैपिंग की गई, कहां रोजगार मिलता है? कोई रोजगार नहीं, बल्कि जो आबादी जो आई थी, जिसको नीतीश जी ने क्रिमिनल, चोर, बेईमान कहा था, आज वो से पलायन करने पे मजबूर है, इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं। आजकल देखिए डेली जो है 40,000 करोड़ कितना लाख करोड़ का घोषणा पे घोषणा, शिलान्यास आधा अधूरा, बना बना, टूटा टूटा, घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अब पूरा बिहार जो है प्रभावित है। कितना क्या किया कोरोना के लिए आप लोगों, क्या किया आपने बाढ़ के लिए? और ये 4 साल से दबा के बैठे हुए थे कि चुनाव आएगा तो हम शिलान्यास करेंगे, पहले क्यों नहीं? तो नीतीश कुमार जी चाहे बेरोजगारी हो बिहार में, बिहार में बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है, हर दूसरा परिवार बिहार का पलायन कर रहा है, 84 लाख बाढ़ से पीड़ित है, बड़ी आबादी जो है कोरोना से पीड़ित है, लेकिन बिहार की सरकार जो है कोई काम नहीं करती। हम तो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी बताएं कब कमेटी बनाइएगा। आप लोग सब लोग जो है प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे सदन के अंदर, जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, जो सदन को गुमराह करता हो, उस पे बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी? झूठ ही नहीं बोला, बल्कि सदन में तो मिसगाइड किया था कोरोना काल में।
में बोला गया कि रोजगार देंगे, जितने मजदूर आएंगे। कहां गया रोजगार? क्या काम हो रहा है बताएं? कितने लोग को इन्होंने एक एक हजार रुपया दिया, डिटेल दे तो। बिहार सरकार खुद मानती कि लगभग जो है 40 लाख का आबादी जो है, जो लोग वापस आए हैं, ये 50% भी लोगों को जो है वो नहीं दे पाए हैं, तो कैसे इनसे उम्मीद की जाए? और पलायन जो है, आप समझ जाइए नीतीश कुमार जी का विकास क्या है। बिहार वापस आया हो जिस व्यक्ति ने अपनाने, अपने ही लोगों को अपनाने से मना कर दिया हो, क्रिमिनल चोर तक बोला, आज वही लोग अगर बिहार आए तो वापस जा रहे हैं। हम तो जानना चाहते नीतीश कुमार जी ये बताएं कि वो लोग वापस क्यों जा रहे हैं। बिहार में अगर 15 सालों में काम हुआ, लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, कारखाने लगवाए, तो ये लोग जो है वापस दोबारा जो है पलायन कैसे कर रहा, जो ये कहता था कि कुछ भी हो जाए हम वापस नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन हम दूसरे जगह दूसरे राज काम पे नहीं जाएंगे, आज वही लोग जो है हरियाणा रोडवेज से, पंजाब से, कहां कहां से बसेस भेजे जा रहे हैं, एयर टिकट्स कराए जा रहे हैं, लगभग एयरपोर्ट पे लगभग 2.5 से 3 लाख प्लेन का टिकट करा के मजदूर लोग वापस गया है, जो इन दौरान इन दिनों में लगभग 1 लाख के अंदर जो लोग हैं नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवल किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर 4 लाख 5 लाख लोग अगर प्लेन से ट्रैवल किए हैं तो उसमें 2.5 से 3 लाख आबादी उन मजदूरों की है जिसको वापस ले जाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जानना चाहते थे कि 6 महीने हो गए हैं, अब तक सरकार जो है कोई गंभीरता नहीं दिखा रही, ये कैसा विकास है? इसलिए हम सोचे कि इस पे आकर के हम लोग जानना चाहेंगे, भाई डबल इंजन की सरकार है, क्या मिल रहा है बिहार को केंद्र से? 84 लाख आबादी मामूली आबादी है, लगभग 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है और अब तक कोई जो है केंद्र की टीम नहीं आई। इन्होंने क्या मांग किया, क्या पैकेज मिला? सब लोगों को पता है यहाँ जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब कोसी में बाढ़ आया था केवल 4-5 दिनों में भारी तबाही हुई थी, 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। सोनिया जी आई ट्रेन का यातायात फ्री कर दिया गया था, ये तो मजदूरों से वसूले है पैसा, और उसका किराया भी नहीं दिए, बोले थे आएंगे तो क्वारंटाइन छोड़िए, क्वारंटाइन के बाद देंगे, क्या हुआ? ये तो खुले आम झूठ बोल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री तो सबसे बड़े झूठे हैं देश में, अगर सबसे बड़ा कोई झूठा आदमी होगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं, उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है, लेकिन हम जो तर्क दे रहे हैं सदन के अंदर, कमेटी बनाने की बात हो तो झूठ, मजदूरों को रोजगार देने की बात हो तो झूठ, आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने की बात हो, आंकड़े छुपाने की बात हो, तब वहां झूठ बोलते हैं। पैकेज मिला, क्या मिला केंद्र से बताए ना मुख्यमंत्री जी, उनके राहत कोष में कितना जो है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा मिला और कहां? लेकिन इन बिंदुओं पे मौजूदा सरकार बात नहीं करेगी, ना बहस करेगी, उनका अपना एजेंडा है कि झूठ को छुपाओ, लोगों को गुमराह करो, लोग जो है भूल जाएंगे। उसी फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ शिलान्यास
आधा अधूरा वो करने का काम करते, बिहार की जनता का इससे भला नहीं होता। बिहार के लोगों को, नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया। इसलिए हम लोगों का बार बार कहना है कि भाई हम लोग को की मौजूदा अगर सरकार रहेगी तो हम लोग, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया तो हम लोग आने के बाद जो है सामाजिक न्याय लालू जी ने किया, अगर हम लोगों को जनता मौका देगी तो हम लोग आर्थिक न्याय वो बिहार की जनता के साथ हम लोग करेंगे। और हम तो चंपारण भी हो लिए, छपरा सारण प्रमंडल भी हो लिए, आपका जो मिथिलांचल है मधुबनी दरभंगा का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, गोपालगंज सारण हो, हम तो स्थिति बकायदा देख के आ रहे हैं क्या स्थिति है, लोग रोड पे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा करते हैं, केवल दो दिन फोटो खिंचा के डाल दें, वो भी हमारे बोलने के बाद आप सब लोगों को पता है, उससे पहले हेलीकॉप्टर तो भूल ही गए थे, हमारे बोलने के बाद एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बार मंगाया गया, लेकिन वो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर कितना दिन चला और कितना हेलीकॉप्टर चला, बस फोटोशूट के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री जी का जो चेहरे पे जो दाग लगा है उसको चमकाने के लिए हेलीकॉप्टर का वितरण किया गया था एक दो दिन के लिए, तो दाग कितना भी षड्यंत्र साजिश रच के झूठ बोल करके गुमराह करने का कोशिश करे, लेकिन ये जो दाव 57 घोटाले का, पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, लाचारी का, भ्रष्टाचार का जो मुख्यमंत्री जी पे लगा है, बेईमानी का, वो कभी भी धोखे का, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। बिहार की जनता आने वाले समय में जो भी गया है, लोगों को लगा कि कहाँ क्या चले गए भाई, आइसोलेशन में चले गए, कहाँ चले गए, क्या आप चिट्ठी लिखिएगा केंद्र सरकार को, राज्यों को लेकर, हम तो आप देखिए, हम तो लिखने के लिए तो हम लिख ही देंगे, और हम तो मुख्यमंत्री को हो या प्रधानमंत्री को हम तो लिखते रहे, सिर्फ इन इश्यू पे नहीं और भी इश्यू पे, लेकिन हमको तो जवाब ही नहीं दिया जाता, ना मुख्यमंत्री जवाब दे पाते हैं, ना केंद्र सरकार से कोई जवाब आता है, तो हम करें तो करें क्या। विपक्ष का यही काम है कि भाई कोई कमी है, जवाब ना मिलने में क्या जवाब तो नहीं मिल रहा है, देखिए जवाब हमको नहीं उनको, बिहार की जनता को देना। बिहार के जो आर्थिक बदहाली है और जो बिहार की जनता एकदम निरर्थक अपने आप को निर्भरता के अलग हम लोग अगर नहीं लड़ते तो उन बच्चियों के साथ क्या नहीं मिलता जो बालिका गृह में,
हम तो आज भी कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि बालिका गृह में जो लोग जिन लोगों ने गंदा घिनौना काम किया उसको सरकार ने प्रमोशन दिया, मंत्री बनाया। मधुबनी का शेल्टर होम बताया ना भाई किसके अंतर्गत है, आज तक क्या हुआ? लोकल स्थानीय जो वहां के विधायक है, जो मंत्री है मुजफ्फरपुर के, उनपे क्या एक्शन लिया गया? हम तो पूछते हैं भैया, तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल कौन थे? बिहार सरकार के पुलिस ने क्यों नहीं पॉक्सो लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके पॉक्सो लगवाया। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले का रहा एनसीआर देखे, कोई मेरा आपका आंकड़ा नहीं है, वही सरकार का आंकड़ा है, जहां अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक आध केवल महिलाओं पे अत्याचार का ही नहीं, बल्कि और मसलों में मर्डर, हत्या, सारी चीजों में जो है अपराध जो है बिहार में बढ़ा है। हम लोगों तो लगातार इस पे सदन के अंदर, सदन में बात रखनी हो, हम लोगों को कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना हो, हर प्रयास किया है, लेकिन ये सरकार को कोई चिंता ही नहीं अपनी बहन बेटियों को लेकर। हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की, अच्छी बात आए, जो एक्टिव होकर के बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत पे कार्रवाई की, क्या वो रामाश्रय कुशवाहा हत्याकांड में उसी हिसाब से एक्टिव होकर के आरोपी को गिरफ्तार करी? आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। जेपी यादव को न्याय मिलेगा, अरुण सिंह की वाइफ को न्याय मिलेगा, क्यों नहीं न्याय दिला पा रही भाई? ये जो बहने जो विधवाएं हो गई है, कैसे जी रघुवंश सिंह नारायण मिलेगा?